खैर डीएस चौधरी जी का सवाल लेते हैं। एमएमटीसी के शेयर ले रखे हैं 2110 पर, होल्ड करें क्या? देखिए बात इनको भी यही बोलूंगा कि इरेटिक स्पाइकी वॉल्यूम्स रहते हैं, कभी वॉल्यूम बहुत होते हैं और कभी बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। बट यस, ओवरऑल सेटअप्स तो अभी अच्छे लग रहे हैं, हाई टॉप हाई बॉटम्स में चल रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अप है, मीडियम टर्म भी अप है और अपना 200 दिन का एवरेज पकड़ के अभी इस लेग में चला है लास्ट 2.5-3 महीनों में। तो आई थिंक ऐसे समीकरणों में आप है आपके पास ट्रेड तो आप बने रहिए, कॉस्ट के आसपास चाहे तो, अगर प्रॉफिट में तो कॉस्ट के आसपास थोड़ा स्टॉप लॉस रखिए उससे थोड़ा नीचे, और 1-3 महीने इसको होल्ड करके रखिए। लग तो रहा है कि 140-150 के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं, तो बने रहें ट्रेड में। ओके, शमिंदर सूद ने 500 शेयर एनएचपीसी के लिए 209 के प्राइस पर, क्या ठीक लग रहा है आपको? एनएचपीसी आई थिंक देखिए इस लेग में तो काफी चला हुआ है, और अगर आप इसको इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो मैं स्टॉक्स ऐसे फिल्टर कर रहा हूँ कि देखिए 2 जनवरी के हाई के बाहर ये जा नहीं पाया, जब बाजार ने ऑलरेडी कई सारे हाई लगाए, ये जनवरी के हाई के बाहर गया नहीं है, तो 115 अप्रोक्सीमेटली अराउंड 115 के आसपास मल्टीपल टॉप्स दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नए समीकरण तो 115-120 के बाद ही इसमें चालू हो पाएंगे, उसके पहले नहीं हो पाएंगे। इन द मीन टाइम बाजार में जैसे मैंने बोला रिसर्व थोड़ा लग रहे हैं कि नीचे में है, तो ये मुझे लगता है इनको एक बार 90 के आसपास दोबारा लेने के लिए मिलेगा, 85-90 की रेंज आएगी उसमें इनको दोबारा लेने मिलेगा, तो चाहे तो बेच के दोबारा ले सकते हैं, अन्यथा 84-40 के स्टॉप लॉस से खड़े रहे। ओके सरवन जी, जोमेटो पे आपकी क्या राय है? 12% ऊपर है आज, 262-263 रुपए पहुंच गया है। जी देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जहां जिस चीज का जहर पूरा निकल गया होता है, तो एक 50-60-70 रुपए में हमको भी रिसोर्ट अच्छे लगते थे, लग रहा था पूरा जहर निकल गया, अब तो काफी चल गया है, तो आई थिंक यहाँ से जो आएगा उसके लिए वो रिस्क एलिमेंट तो डेफिनेटली ज्यादा होगा कंपेरेटिवली, मे बी अगर आपने 6 महीने साल भर पहले ट्रेड इसको लिया होता। तो आई थिंक जिनके पास है बने रहे, बट नया तो रिस्क रिवॉर्ड सर यहाँ पे मुझे डेवलप होता हुआ नहीं दिख रहा, जिसके पास है आई थिंक वो 235 के स्टॉप लॉस से बना रह सकता है।